अबे ना लायक, यहाँ क्या कर रहा है? शादी हो गई, अब तो जा अपने कमरे में। ये शादी नहीं, धोखा है। अभी तो मैं बच्चा ही हूँ और आप लोगों ने मेरी शादी करा दी। बेटा, शादी तो धोखा ही है। हर किसी को एक ना एक दिन इस धोखे से दो चार होना ही पड़ता है। हाँ? लेकिन इतनी जल्दी शादी कराकर आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। What? बेटा, शादी के बाद जिंदगी किसी की भी आवाज नहीं होती। तू बेकार में टेंशन ले रहा है। लेकिन वो तो मुझसे बहुत बड़ी है। तेरी करतूत और हरकत भी तो बड़े बड़े होते हैं। बैलेंस करने के लिए बड़ी लड़की ढूंढनी पड़ी। जब किसी की अकल ठिकाने लगानी होती है तो उसकी शादी करा दी जाती है। शादी करा कर दिया, मेरा काम तमाम, काम तमाम, काम तमाम। पापा मैं तो हूँ अभी कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। तू कच्चा बादाम नहीं, पका हुआ नारियल है। इस कच्चा बादाम का भूत अपने सिर से उतारो और जाओ अपने कमरे में। भाई लादू, अब तो तुम्हारी दादी हो गई है, अब तो तुम्हें लोद तू तो मिलेगा। ये क्या अश्लील बातें बोल रहा है बे? Oh, अंकल, मैं अश्लील बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तूत के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो हम गाय का निकाल के पीते हैं ना, वाइट वाइट तूत। अरे, ये गाय के दूध के बारे में बोल रहा है। हाँ, मैं गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। अब तो भाभी लोद लादू को देगी, गिलास में बादाम और केतल वाला दूध। अरे ये तोतला भी ना। अब देख राजू बेटा, शादी के बाद एक ही दिन इज्जत मिलती है, इसीलिए जल्दी चले जाओ, फिर जीवन भर बेइज्जती तो झेलनी ही पड़ेगी। एक तो बड़ी उम्र की लड़की से शादी करा दिए हो, ऊपर से डरा रहे हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अब जल्दी से जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जाएगा तो तुम्हारा बाप भी, अभी देखता हूँ। बाप कहीं नहीं जाएगा, शादी बेटे की हुई है, वही जाएगा। लेकिन 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 कुछ नहीं। अब अंदर घपाघप होगा। हाँ? मैं तो तला। अजी सुनती हो, आप कुछ बोलो भी, आपका घूंघट उठाकर देख सकता हूँ। अजी, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया। What? आप तो अब अपने हो, लो मैं ही उठा देती हूँ। हाँ? ये तो पहले ही शॉट से भारी पड़ने लगी। हाँ जी, हल्का मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड था? वाह, तुम कितनी अच्छी हो, लगता है कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अरे नहीं, मैं तो उन सब के नाम गिन रही हूँ, कुछ के नाम तो याद ही नहीं आ रहे हैं। आगे मैया, कहाँ फंसा दिया रे? क्या हुआ, ऐसे होश क्यों उड़ गए हैं? अरे जिस राजू के नाम से सबकी फट जाती थी, आज उसी राजू की फटी पड़ी है। अब तक आपकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए। घबराइए नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे शीला, तुम आ गई? हाँ, मैं तो आ गई, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शादी होते ही बर्बादी शुरू, सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारी करतूत ही ऐसी होती है। लेकिन मैंने आज किया क्या है, बेवजह बकरे की तरह हलाल किया जा रहा हूँ। इससे शादी करके तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शीला। लेकिन लेकिन क्या, प्यार मुझसे और शादी इससे, तुम धोखेबाज निकले। अब शीला, तुम नाराज मत हो, अब मैं तुमसे भी शादी कर लूंगा। हाँ? मेरे रहते एक और शादी? हाँ? ये तो मैं नहीं होने दूंगी। दो दो शादी करेगा, पहली बीवी को भी धोखा देगा। हाँ? इसे इतना मारो कि अगले 100 जन्मों तक किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। अरे नहीं, अरे मुझे माफ कर दो, 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 अरे मुझे माफ कर दो। नहीं, तब से क्या नाप शनाप बक रहा है, अब तो मेरा पैर ही उठाया जा रहा है। हैं? अरे साला, ये तो सपना था। इसका मतलब मैं बच गया, वो बड़ी औरत मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं अभी भी कुंवारा हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू। साला लतखोर,
लात खाकर थैंक यू बोल रहा है। आप नहीं समझोगे पापा, जिंदगी भर बीवी की बात सुनने से आपकी लात खाना ज्यादा अच्छा है।